अब दिन में मोदी के पीनट बटर डाल दिया था, तो रात को मोदी के पीनट प्रोग्राम में दो बार लाई, तो इस तरह एक घंटे चला गया। तो बगैर सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। नया साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और सुख समृद्धि लाए। मॉर्निंग की शुरुआत आंवले के जूस के साथ। आंवले के पता ही है सबको, जो ज़्यादातर फायदे ही होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता। अगर एक लिमिट में कोई चीज़ ले जाती है, हेयर के लिए, स्किन के लिए, फैट लॉस के लिए, इम्यूनिटी का बढ़ाने के लिए और हार्ट के लिए, तो कितना ही कुछ देख लो तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। एक लिमिट में कोई चीज़ हम यूज़ करेंगे तो अपना पीने के बाद और फिर कुछ एक दो काम निपटाने के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज में लगे। एक्सरसाइज में आज हल्की फुल्की ही की थी, ज़्यादा हैवी वाली नहीं की थी, एक दिन थोड़ी ही हल्की ही रखा करूँ। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपके अपने एक और नए व्लॉग में। वेलकम बैक। टाइम हो रहा है, सुबह 9 हो रहे हैं, तो अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। रोटियां के नाम आते हमारी बात देखने लग जाओ। अब करूँ करूँ क्यों, उसमें साग में उड़ी थी, साग भी नहीं था, सरसों नहीं थी, पालक ऊपर सच से लाई थी अपने से काट के। और बथुआ होता है, बथुआ हमारा आजकल थोक का होता है थोड़ा, तो पालक और बथुआ दोनों को ही अच्छा साग बन जाता है, दोनों को मिक्स करके भी, सरसों ना हो ना तो उससे भी अच्छा बनता है। आ जाओ भाई, बाजरे की रोटी खा लो। सुबह सुबह साग, सुबह तो नहीं है, 10:15 हो गए, बनाने बनूने में ना फिर ऐसा ही हो जाता है। और फिर मैंने जाना है मार्केट, मार्केट के काम है, कई बेटे का सामान लेना है, बेडशीट वगैरह, इसको ज़रूरत है, इसकी बेडशीट है और चीज़ें हैं। फिर मैं दोपहर को क्या पता खाई जाए ना खाई जाए, और दोपहर को फिर फ्रूट या और कुछ हो जाता है, तो दिन छोटे छोटे हैं, इतनी भूख भी नहीं लगती, तो मैं अभी खा लेती। वह हफ्ता यूँ ही निकल गया ना, पता ही नहीं लगा ना, मैं आज इसके सामान, कल संडे हो गया, कल तो वैसे इसने निकलना ही है सुबह, तो फिर तो वैसे नहीं लिया जाएगा, आज लेकर ना इसकी पैकिंग कर दूँ फिर। इसीलिए गाजर पाक भी मैंने कल ही निकाला था, फिर आज का थोड़ा टाइट शेड्यूल हो जाएगा। अपनी शॉपिंग करके आ ली और हाथ बिल्कुल युवा खड़े हुए हैं स्कूटी पर। ग्लव्स डालूं तो एकदम वो गले से दबाई जावे है, ब्रेक एकदम तेज लगे, तो बगैर उसके जा रही थी तो बिल्कुल ठहर गए। तो मैं पहले अपनी शॉपिंग दिखा दूँ, फिर इनको उठा उठा कर मैं रखूँगी, इनकी मारी दुखी होती फिर नहीं हूँ। एक तो ननंद के हैं बहू और पोती, कई दिन की उसके दामन बनवाए हैं, यह तो पोती का है और इसी कलर में ये माँ का है, उसके लड़के की बहू का ननंद के, तो पूरी ड्रेस तैयार करवाई है इसकी, ये तो इसके साथ है, कुत्ता अपने आप सिल लेगी। दोनों माँ बेटियों की एक जैसी ही चुन्नी बनवाई है, ये बेटी की ये माँ की। इनको उठाने गई थी, ऑर्डर दिया हुआ था इनका, और ये तागड़ी है पोती की, उसकी छोटी है ना, जैसे 4-4.5 साल की होगी मेरे ख्याल से, छोटी ही है, तो ये छोटी ही तागड़ी है और ये छोटी ही है। वो गलसरी वगैरह वो थी नहीं, मटर माला वगैरह मूल ये ही थी बस, घंटी घंटी, तो ये तो इनका था। आज सब की लाई हूँ ना करके, ये हमारी पंडी का ख़त्म हो रहा था, उसका ख़त्म हो जाए तो वह हमारा जीना आराम कर दे है, फिर लग जाओ भोपने, सुबह सुबह रोना स्टार्ट कर दे है। दो पैकेट उसके लेके आई, एक इनके बाबू बेटा का हो रहा था, उसने ठंड लग रही है उसके लिए कुछ ले क्या, तो उसकी ड्रेस ले के आई फंडो की, आज ये फंडो की ड्रेस ले के आई हूँ, ठंड में ना बेचारी बिल्कुल यूँ कांपती रहे, तो ये चले मैं थोड़ा कुत्ता है भाई, बेजुबान है तो कर देते हैं, दोनों बापू बेटा बोल रहे हैं तो ला देती हूँ। तो यूँ कहूँ तो उसने घर में बैठाए रहो है, और फिर उसको ठंड लग रही है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि एक बोरी नहीं मिल रही उसकी, उसके घर में एक बोरी भी बेचाना हम चाह रहे हैं, कोई बोरी मिल जाए ना तो नीचे बोरी डाल दे, तो उसके वो कंपकपी ही नहीं रहे बेचारे के, पर ये ले आ गया, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। और तो बस यही है, बच्चा की जुराबे जुराबे, जैसे बेटे ना जाना है, इसकी बेड शीट है और एक रजाई का कवर है कंबल वाला। बस दोपहर को खाना नहीं बनाना था ना, सामान रखा ही उठा दूँ एक बार, इतना मैं मार्केट से आई, बच्चे अपने स्मूदी बना रहे थे, उन्हें भी नहीं खाना था, एप्पल स्मूदी बना रहे थे, खजूर और सारे सीड्स डाल के ना, खजूर डाल लिए थे और पीनट बटर की डाल रखी थी चम्मच, अच्छा बढ़िया बना रहे थे, बोले हम दिन में खाना नहीं खाते, रात को बाहर से मंगवाएंगे, तो मैं चलो भाई मेरा हो गया ना ठंडा मिट गया, मैंने दोपहर को अब आगे मार्केट से बनाना नहीं पड़ा और मेरा भी काम चल गया, मैंने भी नहीं खानी थी, क्यों मैंने भी सुबह कर लिया था, 10:15 बजे मैंने बाजरे की रोटी अपनी खा ली थी। तो अब स्मूदी मैं जिस दिन सुबह ले लेती हूँ ना, बाजरे की रोटी मक्की की या परांठा, उसी दिन मैं फिर दिन में स्मूदी ही रखती हूँ, हल्का हो जाता है ना फिर दिन में, रात को फिर सूप वगैरह हो जाता है। अब मैं अपना काम कर लूँ
कुछ काम है और कुछ एक बैठ पूछ भी रही थी, तो मैं वहीं जाकर ना फिर वहीं बताऊंगी अपने। आज धूप निकलने का नहीं है बिल्कुल भी, ना ही निकलेगी। और मौसम भी ख़राब बता रहा है क्या, 31 को 1 को जब भी होएगा। सारी छत की सफाई करी है आज तो बिल्कुल नहीं। एक दिन छोड़ के ना, वो एक दिन करनी ही पड़ती है, क्यों कभी मिट्टी गिर जाती है, कभी पौधे की कटिंग करे हैं वो गिर जाती है, तो कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, उनके पत्ते झड़ते हैं तो वो गिरते हैं। तो छत की सफाई फिर मांगती है ना, तो बारिश हो जाए या पानी जैसे देते हैं पौधों में, कई बार एक्स्ट्रा हो जाए तो वो बह के फिर पाइपों में जाती है। गार्डनिंग के साथ साथ ये और एक काम बहुत ज़रूरी हो जाता है, सब साफ़ करना। जैसे कई बार कमेंट आते हैं, और एक का ही आया हुआ भी था कई दिन से, उसने पूरा ही पूछा हुआ था आपने गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करी, कितना उसका खर्चा कितना को हो जाता है। हमने एक बार में नहीं खर्चा किया बहन, अब धीरे धीरे हमने बढ़ाया है। पहले थोड़े ही पौधे से स्टार्ट किया, क्यों छत पर था, टेरिस पर था, मिट्टी हम मिलाना नहीं चाहते थे, तो मिट्टी से फिर वेट होता है। वैसे हमने सरिया उस हिसाब से डलवाया हुआ है ना, चाहे 10 मंजिल बनवा ले फिर भी आदमी सोच समझ के ही करता है। फिर हमने ये देखा था कि हम कैसे इनको ग्रो कर सकते हैं छत पे बगैर मिट्टी के, मिट्टी कम मिले, कोकोपीट और पत्ते वगैरह ये खाद से, वर्मी कंपोस्ट ये चीज़ें ज़्यादा हो ताकि वेट ना हो, क्यों कुछ गमलों में हो जाता है और कुछ उसमें। तो हमने अपना एक अलग बजट रखा था, जैसे ही बढ़ाया है ना, शुरू में तो हम ये करते थे 5 गमले ले आए, 10 गमले ले आए, उस हिसाब से करते थे। फिर ये लगा ना हम जैसे कर सकते हैं, क्यों 4 साल हो गए हमें करते हुए, चौथा है। दोनों अपना अपना जिसको जितना टाइम मिलता है, क्यों टाइम इनको देना पड़ता है, बगैर टाइम के आप नहीं कर सकते। आपने देखा होगा दिन में को मेरी कई बार 2 शिफ्ट, एक ही दिखाती हूँ मैं, थोड़ा बहुत ही दिखाती हूँ, 2 शिफ्ट भी लग जाते हैं दिन में, 2 घंटे भी लग जाते हैं, 3 भी लग जाते हैं, फिर सुबह हस्बैंड भी लगा देते हैं इनमें, जो भी टाइम लगाना होता है। तो दोनों ही मिलजुल कर ना हम इन पर एक तो टाइम लगाते हैं। फिर हमने एक एक चीज़ ली, जैसे स्टार्टिंग में जैसे यूँ सोचा सब्जी हम करेंगे, तो बड़ी प्लास्टिक की ट्रे मंगवाई, 4-5 मंगवाई वो इकट्ठी, उनकी लाइफ इतनी नहीं थी, वो 2 साल में धूप में ख़राब होगी। फिर वो ड्राम है 2 वो कटवाए, तो जिस तरह ड्राम है वो कटवा लिया। फिर कुछ हमने थर्मोकोल से स्टार्ट किया, थर्मोकोल के जिस तरह बड़ा बॉक्स आ जाए ना, तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है। अगर थर्मोकोल वेस्ट वाली जो चीज़ें आपको मिल जाए ना, स्टार्टिंग उनसे करो, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाओ। और एक बार में हमने खर्चा नहीं किया, हाँ बाद में ज़रूर हमारा होने लगे ना, जिस तरह फिर स्टैंडों की हमारे को ज़रूरत पड़ने लगी, गमला रखे तो ऐसे फिर वो पानी में मरता है, छत पर ना गीली रहती है छत, गमला ऐसे रखा रहता है, तो स्टैंडों पे फिर हमने एकदम ही अब लगाए हैं। फिर वो एक महीने में नहीं लगाए, हम अपना कुछ बजट यूँ निकाल लेते हैं महीने में, इस महीने में 2 स्टैंड बनवाने हैं, अगले में 3 बनवाने हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करके हमने कराया है। एकदम हमने कोई वो खर्चा नहीं किया, एस्टिमेट अब उस हिसाब से नहीं बता सकते, तो खर्चा तो फिर होता ही है अगर आप ये काम करते हो तो, और छत पर करते हो तो स्टैंडों के बगैर काम भी नहीं चलेगा, स्टैंड ज़रूर चाहिए, क्यों ना तो फिर बारिश आती है तो गमलों के नीचे को पानी रहता है। जैसे ग्रो बैग है, ग्रो बैगों के नीचे कोई जैसे स्टैंड चाहिए इनको, ड्रम कटवाए हैं ड्रम को स्टैंड चाहिए, तो हर एक चीज़ को चाहिए, तो अब नहीं बता सकते 4 साल से लगे हुए हैं, कितना को हो चुका। हाँ पर ये है हम संतुष्ट हैं करने के बाद ना, जो ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, जो स्वाद इनमें आता है ना बिल्कुल, सब्जियों में बाहर वालियों में तो स्वाद आना बिल्कुल ही बंद हो रहा था, अच्छी ही नहीं लगा करती। जैसे बैंगन है, बैंगन हम बिल्कुल नहीं खाते थे, बड़ता खा लेते थे, तो बैंगन भी हमने बड़ा स्वाद लगा है, टेस्टी लगा है, पहले बिल्कुल नहीं होता था, हम बनाया ही नहीं करते बैंगन छोटे वाला, बढ़ता बढ़ता खाते थे। तो उस जगह पे आ गए ना आपका, फिर वो मायने नहीं रखता कि आपने कितना खर्चा कराया होगा, फिर उन चीज़ों में ना खुशी मिलने लग जाती है और टाइम पास अच्छा होता है और आदमी पॉजिटिव रहता है इनके साथ, पेड़ पौधों के साथ हुआ, सब्जी के साथ हुआ, आपको इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रहता। तो एस्टिमेट तो जब करा ना, अगर हमारे को कुछ यूँ हो, अगर हम परेशान हो या कुछ हो, इतना खर्चा होगा, यूँ नहीं, हमारा बिल्कुल ही हम पॉजिटिव माइंड से इनमें लगे रहते हैं, हमारे दोनों ही पकुन से यूँ नहीं है, कुछ थोड़ा टाइम लगा जाए, सुबह से हम हस्बैंड लगा देते हैं, जैसे दिन में मैं लगाती हूँ, सोचने का टाइम ही नहीं होता, ही नहीं मैं लगे रहते हैं हम तो, काम करते हुए ना फालतू का सोचने का ना, और यूँ रहता है अब कल कर क्या करना है, अब थोड़ी देर पहले मैं ये करके गई थी तो फिर शाम को क्या करूँगी, मेरे पास टाइम होगा तो उस टाइम ये कर दूँगी। खर्चा तो देखो कोई काम करोगे तो वो तो होता है, पर मैं ये कहूँगी शुरू में जैसे थर्मोकोल वाले बॉक्स हो जाए उनसे कर लेना, ड्राम सस्ता पड़ता है तो ड्राम लेकर उससे कर लेना, अमेजोन से चीज़ मंगवाते हो जब सेल होती है, जैसे मैंने ग्रो बैग मंगवाए हुए हैं, एक ये है एक वो उधर है, तो ये सेल में से मंगवाए हुए हैं, तो जैसे ही सेल आए, वैसे तो 2500-3000 का पड़ता है टोटली, तो मैंने 1200-1200 में मंगवाए हुए हैं, तो इस हिसाब से आप अपना बजट देख कर नहीं अरेंज करके नहीं चल पड़ना, इस महीने में मैंने अपने गार्डनिंग में इतने भी लगाने हैं,
इतना खर्च करना है तो फिर सही मैनेज हो जाती है चीज़ें। स्टैंड हैं ये वेस्ट में नहीं आएंगे, वेस्ट मटेरियल में ये आपको नए बनवाने पड़ेंगे, वो आप देख सकते हो ऑनलाइन भी आते हैं तो उनमें वो चीज़ें फिर इतनी सॉलिड नहीं आती जो हम कह के बनवा सकते हैं। पूरी ही छत पे किया हुआ है हमारा, ये है कि एक पोर्शन में जैसे थोड़ा टेरिस गार्डनिंग हो जाए, इस तरफ से किचन गार्डनिंग हो जाए, वो सोच रहे हैं जैसे हर्बल्स का हो जाए, जो हर्बल का है ना अभी बीच बीच में एकाधेगा चीज़ें हैं। एक तो यहाँ नर्सरियों में ना हर्बल चीज़ें मिलती नहीं है, हर्बल वाली कम मिलती हैं, तो कभी कहीं बाहर जाते हैं तो वो लेते हैं तो एक आध पौधा लें तो वो मर जाता है या चलता नहीं, उनमें कुछ मौसम का भी होता है, वेदर का भी डिपेंड करता है ना। वेलकम बैक, टाइम हो रहा है 5:30 होने न हो रहे हैं, थोड़ा है एक दो राउंड लगा के अभी पर ठंड हो रही है तो जाने का मन तो नहीं था पर जा रहे हैं, थोड़ा है यूँ है एक दो चक्कर लगाए आते हैं। आ जाओ तो मैं अपना काम लगी हुई थी, मैंने अपना सूप बना दिया है, मिक्स ही कर रखा है टोमेटो और मशरूम दोनों ही चीज़। मशरूम मैंने पीस ली थी धोकर है ना, अच्छी लिक्विड सा बना लिया था टोमेटो के साथ, और मशरूम इतनी आई हुई हैं कि मेरे पति को कहीं होते खाने को, हमारे तो डेली चलती हैं ये मशरूम ना, तो आज बस मशरूम का यूँ खाने का दिल नहीं था तो हस्बैंड भी बोले सूप बना लेना, और बेटे के लिए ले आई हूँ लेटोस पत्ता काट के ना ऊपर से कटिंग करके ना सारा ही काट लिया उसने, रात को जैसे जाना सुबह जाना है तो अब इसकी पैकिंग कर दूँगी ले जाऊँगी, वो कह रहा है ना मेरे पैक कर दो मैं खा लूँगा वहाँ पर, उसी के लिए रखा हुआ था ये ना, तो मैं पहले डेली कटिंग कर लेती थी, उन्होंने कह दिया था मम्मा काटना मत मेरे आने के बाद काटियो मेरे पैक कर दियो, तो उसका ये पैक करूँगी। बनी गया मैं 2-4 मिनट रह गई हैं तो इसको बंद करके ना लगा के आपको 2 राउंड तो लगा ही के आते हूँ। इसी के साथ फिर मैं लोग की एंडिंग कर देती हूँ, अपना ठंड से बच कर रही हो अरे जाइए हमारे कमरा में बस पैक हुए रहो हमारी तो आदत है सड़का पे घूमना, हम तो घूमे आते हैं पर कहीं होगा ठंड जल्दी लग जाए, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम।